8 class. This is your lecture number 18th. Okay, student, we are going to start question number 7. Find the least number. I have just explained this expression of question number 7. You should this question is for your solving. Okay, do yourself. I have just explained this statement of this question. Very easy question. Okay, find that least number, वो वाला कम से कम नंबर फाइंड करे which subtracted from 109,087. The answer is complete square. Mean स्टूडेंट, हमने इसमें से ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करनी है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. मीन कंप्लीट स्क्वायर रूट जिसका फाइंड करें तो हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में ना आए, हमारे पास आंसर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, हमारे पास आंसर पॉइंट में ना आए. मीन पॉइंट में ना आए, उसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर. ओके, सो स्टूडेंट, यू हैव टू जस्ट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट टर्म. स्क्वायर रूट ऑफ दैट टर्म, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. एंड देन लास्ट पे एक टर्म रिमाइंडर आएगा जहाँ पे इसको ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिवाइड करने से, ज़्यादा स्क्वायर रूट लेने से स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास पॉइंट में, आंसर हमारे पास, आवर क्वेश्चन इज गोइंग इनटू द पॉइंट्स. बट यू हैव डोंट पुट द पॉइंट इन क्वेश्चन. ओके, पॉइंट को पुट करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना. जहाँ हमें पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा लास्ट पे वही वाला हमारा आंसर होगा. ओके, so now question number 8 is students, the cost of leveling the ground of a circular region at the rate of 2 per square meter is 4928. Find the radius of that ground. सो स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ अ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन, मीन अ सर्कुलर रीजन इज गिवन, इसकी एक कॉस्ट है इसको लेवल करने का. मीन इसको इक्वली, लेट्स सपोज दिस इज अ फील्ड. ओके, फील्ड को लेवल करना, उसकी तमाम जमीन को लेवल करना. ओके, ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर इज 4928. फाइंड द रेडियस. ओके, अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें वी हैव टू फाइंड द एरिया. देन वी हैव आवर फाइनल रिक्वायरमेंट इज फाइंड द रेडियस. राइट, रेडियस मीन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द सर्कमफेरेंस. ओके, ये जो डिस्टेंस है इस आर को क्या बोलते हैं, इस इतने एरिया को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. तो उसके लिए हमें रेडियस बोलने के लिए वी हैव डन अ क्वेश्चन सेम आई थिंक इन प्रीवियस लेक्चर. इन दैट क्वेश्चन वी हैव फाइंड ऑल्सो द स्क्वायर रेडियस. ओके, बट वी हैव ऑलरेडी द एरिया ऑफ अ सर्कुलर. एरिया होगा तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट एरिया ऑफ अ सर्कल हैज अ फॉर्मूला. एरिया ऑफ अ सर्कल द फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर. वी हैव डिनोटेड एरिया ए. This is the formula here. This R belongs to radius. This R called the radius. This pi has a pi value and A denoted by area. Okay, now first of all here we need area to find the square root. But here two things are given. At the rate of price 2 per square meter. उसका एरिया गिवन है लेकिन प्राइस 2 पर मीटर. अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, इस 2 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा. क्या आएगा? एरिया आएगा कोस्ट और पर स्क्वायर मीटर. एरिया हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कोस्ट पर स्क्वायर फीट वैल्यू पर स्क्वायर प्राइस. या अगर स्टूडेंट हम 4928 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा. क्या आएगा? एरिया आ जाएगा. ओके, नाउ इसको कैंसिल कर लेते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, here's 9, 2 4s are 8. 1 टेक कैरी टू द नेक्स्ट नंबर, दिस विल बिकम 12. 2 6s are 12 एंड 2 4s are 8. वी हैव डायरेक्टली कटिंग द मेथड. यू शुड ऑल्सो यूज
द मैथड ऑफ डिवीजन. ओके सो एरिया मीन ए इज 2468. Now put the area in this formula. Okay, so pi r square is equal to 2468. Okay, now r square 2468. We have take the pi on the other side of equality. Here the pi is multiply with this radius and on going other side of a equality it will be divided by that term. Okay, so put the value of pi. Value of pi is 22/7. So I have done this speedily because we have done a same question like that. Okay, 2468. Agar isko change karenge student, अगर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती तो उसको जब चेंज करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको चेंज कर देते, मीन ये डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में चेंज कर देते हैं, न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर, मीन 7/25. दिस विल बिकम 7/25. ओके नाउ वी हैव कट 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. ओके here comes 11. Over 11. Now cutting 11 again. अगर हम इसको इस पर डिवाइड कर लें ऐसे 12, 34 को 11 पे डिवाइड कर लेते हैं. 11 ones are 11. This will 2 में से एक माइनस होगा तो -1, 1 and 3 here. 11 ones are 11. Okay, and now it becomes 13 minus 11, 2 here, and next 4. 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं सो क्या आएगा, 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12. सो स्टूडेंट सॉरी हेयर वी हैव 4 एट द प्लेस ऑफ 8. Here we have also 4. Here we have also 4. Here we have also 4. So this will be becomes 2. Okay. और जब इसको cancel करेंगे तो student यहाँ पे भी 2 आएगा. Then 2. 11 multiply by 2 becomes 22. Okay. So we have put here 8 in spite of 4. So that's why. Okay. 112. 112 multiply by 7. We have multiplied that term with 112. 7 2s are 14. 112 multiply by 7. 7 2s are 14. 4 here. 1 take carry. 7 1s are 7 or 1 8. 7 1s are 7. 7 84. Okay. Okay, student. Now here r square. We have cancelled this r square. How we have cancelled that r square? We have take the square root on both sides. Square root on both side. Okay. So here r square. This square will cancel with the square root and 784 square. We have take the 784 square root. Okay. We do the pairing. First pair and second 7 remain single. So choose a number. 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9. Can we write 9? No, because 9 is greater than 7. So we have take 2 2s are 4 here. 7 minus 4, 3, and down the next pair. Now add this quotient into the divisor, becomes 4. 2 plus 2, 4, and I have put a dot here at this place and assume a number. When you have multiply with same number, our answer must be 384 or closer to 384. Okay. So now take 6. 6 6s are 36. 6 here. So we take carry. 6 4s are 24 or 327. Can we write 276? I think 276 is very small number. Take 8. Multiply with 8. Okay. 8 8s are 64. 4 here, 68 carry, 8 4s are 32,
8 4s are 32 and 6 38. So you know that this matches with that number, so write 8 here, 8 here and 384 here, or our division is completed, our square root method is completed, because there is no extra pair is left, so our final answer is 28. So r will be equal to, radius will be equal to 28. Radius will be equal to 28. So this is your lecture, student. Last two question are same. Same with these method. Okay, student, you have solved in previous lecture. So try that question I have explained.